क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? I feel like I have stepped into the future. मैं बात कर रही हूं इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America, or Europe. Indian Railways, दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डिलेड ट्रेन्स, ना कहीं बैठने की व्यवस्था, ना खाने पीने का बंदोबस्त। 2013 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज को लगभग 28,000 करोड़ रुपए मिले, पर पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया और 2024 में इंडियन रेलवेज को मिले 2,55,000 करोड़ रुपए। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। तो कैसे दिखता है हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज का नया चेहरा? देखेंगे कैसे लगते हैं मॉडर्न इंडियन रेलवे स्टेशंस और नए भारत की ट्रेन्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मुख्य पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं, अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। सबसे पहले बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मैं आई हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जिसने मेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी पुरानी यादों को एकदम से मिटा दिया। मैं तो भीड़ से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीनलीनेस, ग्रीन डस्टबिन, क्लीन टॉयलेट्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। मैंने तत्काल में टिकट्स बुक की और मुझे मिल भी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद है भारत के 1,318 पुराने रेलवे स्टेशन को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने का। नए स्टेशन पे आपको मिलेगा एयर कॉन्कोर्स, एक बिल्कुल सा ग्रैंड स्पेस जो हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और साथ ही यहाँ पर है लैविश वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, बेबी रूम, एटीएम, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, डॉर्मेट्री। इनफैक्ट अगर आप अपना बैग ना उठाना चाहें तो उसके लिए है लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स या ट्रैवलेटर्स। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। साथ ही यहाँ हमेशा आपके और आपके सामान के लिए है सीसीटीवी सर्वेलेंस। स्टेशन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ स्पेशली एबल पैसेंजर्स के लिए व्हीलचेयर्स हैं, एक पाथवे बनाया हुआ है उनके लिए।
स्टेशन मैम इतना बड़े होने के बावजूद मुझे व्हीलचेयर में बड़े कंफर्टेबल और आसानी से बाहर तक लाया। अब मैं सीधे ओला कैब बुक करूंगा और उसके माध्यम से मैं घर तक चला जाऊंगा। क्या आप जानते हैं 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडियन रेलवेज इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। स्टेशन के अपग्रेड होने से न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज और यात्रियों का फायदा हुआ बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी और खास कर दुकानदारों का। रानी कमलापति स्टेशन कानपुर एरिया में मेरा फूड जोन है। मेरा बिजनेस में पहले 30% होता था, अब 70% मार्जिन हो रहा है मेरे को। सही है, एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है तो अच्छा है, काफी अच्छा है। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। मॉडर्निटी के साथ संस्कृति का खास ध्यान दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से और अंदर आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बन रहा है मदुराई जंक्शन, जम्मू तवी, एर्नाकुलम जंक्शन और बिजवासन रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट एनवायरमेंट का स्पेशल ध्यान देते हुए असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज की दूसरे पिलर की ओर, यानी वंदे भारत। पीएम मोदी का मानना है कि जिस देश का सबसे बिजी और लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड रेलवेज है, उस जर्नी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो, ये पूरी तरह जानते हुए कि नए भारत को सिर्फ सस्ती चीजें नहीं बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहिए। तो ये है हमारे मॉडर्न इंडिया की ट्रेन, जो चलती है हाई स्पीड, दिखती है वर्ल्ड क्लास और सर्विस देती है फर्स्ट क्लास। वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो एग्जेम्प्लीफाई करती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। एवरीथिंग इन दिस ट्रेन हैज बीन मेड इन इंडिया। ये ट्रेन है स्लीक, मॉडर्न, फुल्ली एयर कंडीशन और प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और एमिनिटीज टू इट्स पैसेंजर्स। अब ये सब आप देखकर तो समझ ही गए। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। ना मल्टीपल चेक पॉइंट्स, ना 2 घंटे पहले पहुंचने की आवश्यकता, साथ ही अफोर्डेबल और साफ सुथरा भी। That too in just 14 minutes. 10 साल पहले तक ट्रेन सिर्फ कैरियर्स का काम कर रही थी, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। बट वंदे भारत इस जर्नी को बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रही है। अब हमको मिल रही है प्लेन्स की फर्स्ट क्लास सर्विसेज इन अ ट्रेन, वो भी आधे दाम। आई वुड से एवरी मनी स्पेंट हियर इज टोटली वर्थ इट। बहुत ही जल्द वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रोज भी लॉन्च होंगी। अब ट्रेन से ट्रैवल करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक मजेदार एक्सपीरियंस हो गया है। पूरे परिवार के साथ हम जा रहे हैं और आराम से जा रहे हैं, और सीट भी जैसे बच्चों के साथ हैं, सीट रोटेट हो जाती है, इससे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस। ब्रेकफास्ट वाज वेरी गुड and they are serving tea which is the chayos wala tea and that is also very good. Indian
मशीनरी, इंडियन माइंस और इंडियंस की मेहनत से अब तक 40 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक, पर टारगेट है 500 वंदे भारत ट्रेन्स का। ये ट्रेन्स चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही हैं और जल्द ही रायबरेली, सोनीपत और लातूर प्लांट में भी मैन्युफैक्चर होंगी। नए भारत की मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया का प्रतीक है, जो लगभग 40,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है और अब तक करीब 15,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा द गवर्नमेंट इज फोकसिंग हेविली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इसका मतलब ये ट्रेन्स अब कोल या डीजल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। ना पोल्यूशन, ना गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप होने में कोई दिक्कत। हमारा टैक्स का पैसा अब डीजल इंपोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2014 से 2023 तक 38,650 किलोमीटर्स हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड और ब्रॉड गेज रूट्स की 90% रेलवे लाइनें अब इलेक्ट्रिफाई हो चुकी हैं। इनफैक्ट दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे टोटल 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इंडिया अब पूरे विश्व में सेकेंड पोजिशन पर आता है, राइट आफ्टर चाइना, लीविंग बिहाइंड USA एंड रशिया। जहां वंदे भारत हमारे इंटरसिटी ट्रैवल को आसान बना रहा है, वहां सिटी के भीतर मेट्रो ट्रेन्स अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक नई आइडेंटिटी दे रही है। 2014 में इंडिया के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, 2024 तक ये इंडिया की 15 सिटीज तक पहुंच चुका है। और यहां भी भारत कुछ पीछे नहीं, मेट्रो एक्सपेंशन में हम 3rd पोजिशन पे आते हैं आफ्टर चाइना और USA। पर बात अगर फ्यूचर ट्रैवल की करें तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलिए आकृति से। ये एक स्कूल टीचर है जो रोज छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गाजियाबाद के मोदी नगर से दिल्ली के आनंद विहार जाती है। इनका वन वे ट्रैवल टाइम आधे रास्ते ऑटो और मेट्रो को बदल कर होता है तकरीबन 2 घंटे, यानी रोज 4 घंटे बस ट्रैवलिंग में ही निकल जाते हैं। समय पे पहुंच भी नहीं पाती थी, इस वजह से काफी दिक्कतें भी होती थी, ना सेफ्टी रहती थी, घर वापस आने में भी काफी दिक्कतें होती थी। 25 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ऑटो और 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली मेट्रो को पीछे छोड़ अब आकृति लेती है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। चलते हैं रेलवे के एक और इम्पोर्टेंट पिलर की ओर, यानी नमो भारत। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर एन आवर। मान लो ये हमारे फ्यूचर रेल ट्रैवल की सिर्फ एक झलक है। नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जो पूरी तरह से इंडिया में बिल्ड की गई है। ये मेक इन इंडिया मावल कनेक्ट करेगी दिल्ली, गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ जैसे 4 बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स को विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। शहर से दूर काम करने की वजह से लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और हमारा कैपिटल ओवरक्राउड हो रहा है। पर अब पहले फेज यानी दुहाई से साहिबाबाद के लॉन्च होने से ट्रैवल टाइम 50% से भी ज्यादा कम होगा। आने वाले दिनों में 2 से 3 घंटे का ये रोड रूट अब होगा सिर्फ 55 मिनटों का। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगते हैं, जो मेरे टाइम समय को भी बचाता है और काफी कंफर्ट जोन है। आराम से मैं बैठकर जा सकती हूँ, टाइम भी मेरा बच जाता है, सेफ्टी है काफी, मतलब क्लीनिंग है, वो हाइजीन है पूरा नमो भारत। नमो भारत के वर्ल्ड क्लास स्टेशन आसपास के गांव वालों को कंफर्टेबल अमेनिटीज देगा,
जो हमेशा से ही इन फैसिलिटीज से वंचित रहे हैं। स्पेशली एबल पैसेंजर्स के लिए पाथवेज, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए लार्ज लिफ्ट्स जिसमें स्ट्रेचर्स भी आ सकते हैं, सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छी सफाई, एक बटन प्रेस करने पर खुलने वाली ट्रेन के दरवाजे और पहले बार ट्रेन टिकट वेंडिंग मशीन पर एक्सेप्ट होंगे UPI पेमेंट्स। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। Some of the things that I'm seeing here are truly world class. देखिए, मैं internationally बहुत travel करती हूँ और मैं इतना बता सकती हूँ, as per my experience, whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. नमो भारत की हर ट्रेन में है 6 कोचेस, 4 रेगुलर, 1 ओनली फॉर वेमेन। हर कोच पर आपको मिलेंगी चार्जिंग पोर्ट्स, लगेज रैक्स। प्रीमियम कोच में आपको मिलेंगी रिक्लाइनर सीट्स, फुटरेस्ट, कप होल्डर्स। साथ ही यहाँ विमेन सेफ्टी का स्पेशल ध्यान दिया गया है। 2000 से ज्यादा CCTV कैमरास, औरतों के लिए स्पेशल कोचेस, स्टेशन पर विमेन स्टाफ। और गर्व की बात तो ये है कि नमो भारत की पायलट भी महिलाएं हैं। नारी शक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन ड्राइव करती हूँ। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और अगर हमें कोई भी पैसेंजर को कोई इश्यू होता है तो वो ट्रेन ऑपरेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। नमो भारत सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए नहीं है, ये उन सारे रीजन्स को डेवलप करेगी जिससे अब दिल्ली बहुत ही आसानी से कनेक्टेड है। मैं देख रही हूँ यहाँ कई सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, यहाँ के लोग अब दिल्ली बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले फेज में दिल्ली, UP, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। मेरा स्कूल 2:30 ऑफ होता था, पहले बाय बस मैं 5:50 रीच कर रही थी घर पे, तो मेरे को इतना टाइम 2 hours, 2.5 hours लगा था, बट नाउ टेक ओनली 1 hour। पहले मेरे को जॉब में प्रॉब्लम था कि शायद मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा था, बट बाय द मेट्रो मेरे को ड्रॉप नहीं करना पड़ा, मेरे को बहुत कन्वीनियंट पड़ा एंड आई एम कंटिन्यू विद माई जॉब। रुक्सी की नई नई शादी हुई है पर जॉब वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी उनका काफी वक्त बच रहा है ट्रैवल में, जो वक्त अभी वो अपने परिवार को दे सकते हैं। आज नमो भारत शुरू हुई है, इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी।
और जिस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है उसी रफ्तार में हमारे ट्रेन्स की गति भी तेजी से बढ़ रही है। में चली भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन विद स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर एन आवर। आजादी के अराउंड इसकी स्पीड बढ़ी टू 70 टू 80 किलोमीटर एन आवर और कई सालों बाद 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन्स विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 120 टू 140 किलोमीटर एन आवर। पिछले साल हमने देखा नमो भारत ट्रेन्स लॉन्च हुई है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर एन आवर, पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो इन सब को पीछे छोड़ दे, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर एन आवर। मैं बात कर रही हूं इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। महाराष्ट्र और गुजरात के फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करता एग्जिस्टिंग रोड जर्नी है 10 घंटों का। वंदे भारत से आप मुंबई से गांधीनगर पहुंच सकते हैं इन 5 आवर्स, पर बुलेट ट्रेन लॉन्च होते ही अहमदाबाद से मुंबई तक का डिस्टेंस कवर होगा इन जस्ट 2 आवर्स। मतलब जितना वक्त आपको नोएडा से गुड़गांव या बोरीवली से चर्चगेट तक लगेगा उतने ही वक्त में आप अहमदाबाद से मुंबई पहुंच सकते हैं। यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफड़ा और लंच में खाओ वड़ा पाव। बुलेट ट्रेन्स जापान में रहने वालों के लिए आम बात, बट हम इंडियंस के लिए इट्स ट्रूली अ बिग लीप ऑफ फेथ, और इसीलिए भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान के एक्सपर्ट्स द्वारा बन रही है। पर यहाँ के ट्रैक्स और टनल्स की टेक्नोलॉजी सारी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। ये शायद पहली बार ही होगा कि हमारी ट्रेन एक अंडरसी टनल के द्वारा जाएगी। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में, पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन। सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, ये टर्मिनल भी खास है, हमारे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल का परफेक्ट एग्जांपल। इस हब से कनेक्ट होता है रेलवे, रोड, बसेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा इंडिया में कई सारे मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं जो पैसेंजर्स को सिटी से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा, यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। इस टर्मिनल को देखकर समझ ही नहीं आ रहा इसे स्टेशन कहूं या मॉल, होटल कहूं या एयरपोर्ट। इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूं, बट ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब कहीं नहीं देखा। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया दैट इज फार अहेड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब रेलवे में इतनी एडवांसमेंट और इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो खर्चा तो होना ही है, पर कमाई का क्या? Now let me tell you, 67% of rail revenue actually comes from freight, यानी मालगाड़ी से, जिससे हमारी पैसेंजर टिकट्स
सब्सिडाइज होती है। कुछ साल पहले तक मालगाड़ी और पैसेंजर्स ट्रेन के ट्रैक सेम होते थे, जिससे कंजेशन बढ़ता था और ट्रेन डीले होती थी। डीले की वजह से पेरिशेबल गुड्स कई बार खराब हो जाते। नुकसान और रेवेन्यू लॉस तो होता ही, साथ ही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने वालों का एक्सपीरियंस बिगड़ता। और इसीलिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए एक अलग रेलवे नेटवर्क। Wow, this is so fascinating. मुझे ऐसा लग रहा है like I have stepped into the future. तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, जहां से मालगाड़ियां कंट्रोल हो रही हैं एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सिस्टमैटिक प्लानिंग की वजह से जो ट्रेन 30 घंटे लेती थी, अब वो सिर्फ 12 घंटे ले रही है। तो वही मालगाड़ी अब उस वक्त में 2 राउंड ले सकती है और उसी वजह से हमारे इंडियन रेलवे का रेवेन्यू डबल और ट्रिपल हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं रेलवे सेक्टर में इतनी एडवांसमेंट और हमारी पैसेंजर टिकट्स अब भी सब्सिडाइज्ड है। 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब इन मालगाड़ियों की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। इन मालगाड़ियों की स्पीड और कैपेसिटी की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर एक किलोमीटर चलती ये फ्रेट ट्रेन रोड पर चलने वाले ऑन एन एवरेज 72 ट्रक्स को रिप्लेस करती है। ये हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है, ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम द करंट 15% ऑफ GDP टू अ मोर सस्टेनेबल 8% बाय 2030। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने फायदे हैं, शायद हम कभी रियलाइज भी नहीं करते। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तब जब डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो, हमें चाहिए कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। इसलिए मैं आई हूँ एक ऐसी रेलवे ब्रिज पर जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है, बल्कि अपने आप में ही एक अद्भुत क्रिएशन है। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। मानेंगे कि आजादी के 75 सालों बाद भी भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके 300 किलोमीटर तक की एरिया में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी थी ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता उधमपुर श्रीनगर बारामूला की 272 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उधमपुर से लेकर कटरा और बारामुल्ला से लेकर बनियाल तक की तो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, पर बीच में आए कटरा से लेकर बनियाल तक 111 किलोमीटर की इस टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, चट्टान और पहाड़ों की वजह से यहाँ रेलवे छोड़ो रोड भी नहीं था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर ही दिया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ रेलवे। दिस इज द वर्ल्ड्स highest railway bridge, the Chenab Bridge. Chenab Nadi ke tal se 359 meters uncha, 1315 meters lamba, Chenab Rail Bridge ek iconic arch shape mein design kiya gaya hai. Ye bridge banane mein 30,000 metric ton steel ka istemal hua hai, yani Eiffel Tower se 4 guna zyada. चाहे टेम्परेचर -40 डिग्रीज हो या 260 किलोमीटर पर आर की विंड स्पीड, और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस 17 पियर्स में से एक पियर डैमेज होने पर भी ये ब्रिज टस से मस नहीं होगी। ट्रेन तब भी इस पर दौड़ेंगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर।
हार्श वेदर कंडीशंस और टोपोग्राफी के अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे मुश्किल बात थी यहाँ तक इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना। क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे ना सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। कोड़ी जो गांव है मैम हमारा, यहाँ से अगर हमें मेन सिटी में जाना होता तो पैदल जाना पड़ता था हमसे 10 किलोमीटर, फिर एक बोट के जरिए उस चनाब को पार करके फिर आगे 10 किलोमीटर और चल के फिर एक गाड़ी मिल जाती थी। और फिर भी जम्मू में जाने के लिए गाड़ी में भी कम से कम 6 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था, तब जाके जम्मू में शाम को बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता आदमी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ अगर काम होता तो वो करके फिर तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से घर पहुंचने के लिए शाम को पहुंच पाए, तो नहीं तो फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ता था। तो ऐसे हालात थे। तो अब तो बहुत अच्छे रास्ते बन गए, अब एक ही दिन में जो भी काम होता है आ करके आ जाते हैं। सुबह निकले तो 10 बजे से पहले पहले हम पहुँच जाते हैं और अपना काम करके शाम को वापस घर पे आ सकते हैं। ये ब्रिज पहली बार जम्मू और कश्मीर के रहने वालों को ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देगा और इस पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट। पहले तो ऐसे ही दिहाड़ी-वाड़ी का ही काम करते थे, ब्रिज का काम शुरू होने से दुकान का धंधा शुरू कर दिया तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, काम धंधा चला हमारा और रोजगार अच्छा मिला सभी लोगों को यहाँ। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर और अब मैं हूँ इस आज के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 meters, व्हिच मींस 1/4 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। वाओ, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। इस प्रोजेक्ट ने जन्म दिया इंडिया के एक नहीं बल्कि 2 इंजीनियरिंग मार्वल्स को। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी तेज हवा चल रही है। 111 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन जो बनियाल को कतरा से कनेक्ट करता है सिर्फ टनल्स और ब्रिजेस के थ्रू ही जाता है। यहाँ 97 किलोमीटर टनल्स है और बाकी का अर्थवर्क और ब्रिजेस बने हुए हैं। 752 meters लंबा ये ब्रिज 2 पहाड़ों को जोड़ता है और साथ ही ये हिंदुस्तान का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। वाओ, just look at that. Anjikhat Bridge ना सिर्फ इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है बल्कि अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है। वैली इतनी डीप होने के वजह से यहाँ पर पिलर्स नहीं आ सकते थे, इसीलिए एक ही 192 meters लंबा पाइलॉन और 96 केबल्स पर डटा हुआ है यहाँ लोकल्स के रहने के लिए एक वरदान और जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है। 111 किलोमीटर का ये रेलवे नेटवर्क जो कनेक्ट करता है बनियाल को कचरा से क्रॉस होगा थ्रू 27 टनल्स। द लॉन्गेस्ट टनल इज ऑफ 13 किलोमीटर और जितने भी टनल्स 3 किलोमीटर से ज्यादा हैं, साथ ही आपको दिखेंगे एस्केप टनल्स जो टनल की मेंटेनेंस, किसी इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए यूज किए जाएंगे। स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल। इन ब्रिजेस की लाइफ स्पैन 120 सालों से भी ज्यादा है। ये रेलवे लाइन 2024 के एंड तक शुरू हो जाएगी। जहां नॉर्थ में बन रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, वहीं साउथ में बन रहा है इंडिया का सबसे पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज। 110 साल पुराने पंबन ब्रिज को मिल रहा है नया रूप। नई ब्रिज बड़ी ही आसानी से ऊपर की तरफ स्लाइड होकर कार्गो शिप्स के लिए रास्ता बना देगी। कुछ इसी तरह आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता हुआ बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट और एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, द बोगीबिल ब्रिज, जहां ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां।
हमारे प्राइम मिनिस्टर विद हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन इंश्योर कर रहे हैं रेल कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक, ये जानते हुए कि ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हर इंडियन की एक बेसिक नेसेसिटी है। हम सब इंडियन इंजीनियर्स के इतने आभारी हैं कि इतने कठिन और चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी ये डटे रहे और हम सभी को एक साथ बांधने के लिए रास्ता निकाल ही लिया। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है दैट आई गॉट टू गो, बट आप सोचिए नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेक्युलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवेज ने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी है जिसमें स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी गहराई से बढ़ गई है। आज इंडियन रेलवेज हर एक भारतीय का गर्व और सेल्फ रिस्पेक्ट का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ये है सपनों की उड़ान और एक बदलते भारत की पहचान, वो भारत जो अब सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा और वो भी इंडियन रेलवेज की पटरियों पर। कुदरत के करिश्मे और जन्नत जैसी नेचुरल ब्यूटी के वरदान के बाद अब भारत ब्लेस्ड है एक मैन मेड आर्किटेक्चरल मार्वल से, और ऐसा नजारा देखकर दिल से एक ही आवाज निकलती है एंड दैट इज आई लव माय इंडिया।